हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप सपने में अपने परिवार को देखते हैं तो एक कैसा स्वप्न होता है। स्वप्न शास्त्र के माध्यम से सपने में अपने परिवार को देखना एक अच्छा स्वप्न होता है, लेकिन इसके भिन्न भिन्न मतलब भी हो सकते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सपने में अगर आप अपने परिवार को देखते हैं और सारे परिवार को खुशी खुशी देखते हैं, सारे परिवार के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, तो ये संकेत करता है कि आपके परिवार में निकट भविष्य में कोई मंगल कार्य संपन्न होने वाले हैं। किसी प्रकार के ऐसे कार्य होंगे जिसमें परिवार और रिश्तेदार के सभी सदस्य एक दूसरे से भेंट मुलाकात करेंगे। लेकिन अगर आप सपने में देख रहे हैं कि परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद है, जहाँ पे लड़ाई और मतभेद में फ़र्क होती है, ये आपको समझना चाहिए। देख रहे हैं कि कुछ सदस्यों के बीच मतभेद है, कुछ सदस्य एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, तो ये संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके जो किसी भी इंसान से जो आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो या तो आप उनसे बताए नहीं थे या उन्होंने आपसे नहीं बताया था और दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक होने वाली है आने वाले समय में। लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच अगर आप लड़ाई देखते हैं, सपने में परिवार के सारे सदस्यों को देखते हैं लेकिन उनके बीच लड़ाई देखते हैं, तो ये संकेत करता है कि आपके द्वारा या आपके थ्रू आपके परिवार के अन्य सदस्यों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और अन्य सदस्यों के बीच मतभेद वास्तविक जीवन में देखने को आपको मिलेंगे, जिसके कारण हो सकता है कि आप ही हों, तो इस तरीके की संभावनाएं बनने वाली है। तो सपने में परिवार को देखना मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी एक अच्छा सपना है और मानसिक स्थिति खुशहाल रहने वाली है, इस ओर संकेत करता है।